Johnny, yes, papa. Eating sugar, no. क्या सो रही हो यार? मुझे पोएम पढ़ने दो ना, सो ना मत यार. जीवी प्लीज यार, मुझे बहुत नींद आ रही है. अब कौन ये 25 साल की उम्र में जॉनी जॉनी यस पापा सुनाता है? अरे यार, बेड लैंप बंद करते हैं और सो जाते हैं ना. अरे मैं तुम्हारे लिए थोड़ी ना पढ़ रहा हूँ, ये तो मैं इसके लिए पढ़ रहा था. मैंने गूगल पे पढ़ा था कि जब बच्चे अपनी माँ के पेट में होते हैं ना, तब भी सब सुन सकते हैं. हाँ अच्छा, तो अभी ये राइम्स और बेड टाइम स्टोरी सुनेगा ना, देखने से बहुत अच्छी नींद आएगी. और कौन सी साइट पे पढ़ा है तुमने ये? अरे वो बच्चों की साइट है ना वो, sebastianthefather.com है ना. अरे तुम 7 महीने है ना अभी आकांक्षा. मैं चाहता हूँ कि इसके इस दुनिया में कदम रखने से पहले इस दुनिया को इसके कदमों में रखूं. जब ये इस दुनिया में आएगा ना, तुम देखते रहना, माई डैड इज द ग्रेटेस्ट, यही इसके पहले वर्ड्स होंगे. अब इतना बोलने के लिए इसे थोड़ी बहुत इंग्लिश प्रैक्टिस की जरूरत तो पड़ेगी ना, और उसके लिए तो अंगद है ही. हाँ अंगद 21 साल तक वो मेरे साथ था, वो भी इसका इस दुनिया में आने का उतना ही इंतजार कर रहा है जितना कि हम लोग कर रहे हैं. ओए छोटू, ए हीरो, जल्दी बाहर निकल, या हीरोइन या जो भी हो तुम, हम दोनों ना, एक्चुअली हम तीनों तुम्हारा इस दुनिया में आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. मैं तो यही सोच सोच के एक्साइटेड हो रहा हूँ कि फाइनली मेरा कोई अपना आने वाला है. हमारा कोई अपना आने वाला है. आकांक्षा, मैं इस दुनिया का सबसे बेस्ट बाप बनना चाहता हूँ, और अंगद भी इस दुनिया का सबसे बेस्ट मामा बनने की तैयारी में लगा हुआ है. जल्दी बाहर आओ ना यार. पर हाँ, जब तुम बाहर आओगे ना, तुम मुझे एक प्रॉमिस करो कि ज्यादा वक्त सिर्फ मेरे साथ ही गुजारोगे. 7 महीने हैं तुम्हारे पास, जितना अपना मम्मी के साथ रहना है ना, रह लो, उसके बाद इनके हाथ नहीं लगने दूंगा तुमको. अगर ऐसा बोलोगे तो चली जाऊंगी कहीं दूर इसके साथ, कभी वापस नहीं आऊंगी. देखो मुझे ये सब मजाक पसंद नहीं है, मेरा कान दर्द कर रहा है, छोड़ो ना. बड़ी ही अच्छी मम्मी है तुम्हारी.